हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ यूपीएससी स्टैंड अप कॉमेडी बाय अनुभव पासी। सो हमारे कैमरा की बैटरी भी डेड है, इस कंप्लीट वीडियो को रिकॉर्ड करने के चक्कर में। सो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। आई होप कि आप पिछले दो पार्ट देख के ही ये तीसरा पार्ट देखने आए हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो आई विल रिक्वेस्ट कि ये तीसरा पार्ट है। हाँ, ये एक कंप्लीट स्टोरी है, तो आपको दो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 आप पहले वो देख लें और फिर ये देखें, और इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बट आई विल से के हमारे साथ देखें तो अलग मजा आएगा। लेट्स सी इसका रिमेनिंग पार्ट। भाई हमें लगा था आंटी सहम जाएंगी, हंस के चली गई। अब उन्हें लग रहा है इनसे मजाक भी कर सकते हैं। हम हाथ छोड़ के मैं अपने कांटी नहीं कर सकते। तूने बस ये समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है, बातें तो करनी है ही इनसे। सो थोड़े ना रहे हैं ये, आंख बंद करके रिवाइज कर रहे हैं। अगली सुबह आके मुझे जबरदस्ती उठा के कह रहे, भैया टमाटर कहाँ रखे हैं, कहाँ लेके सो जाऊंगा। नहीं, आज मुझे सोने से पहले ऐसा क्या हुआ होगा। कि मैंने जाके फ्रिज खोला, मैंने कहा ओहो टमाटर। आज मम्मी पास हो गई और मैं तकिए में डाल के सो गया कि सुबह आंटी आएगी तो टोमेटीना खेलेंगे भैंस। अरे फ्रिज में है तो है, नहीं है तो नहीं है। और तुम भिंडी के पराठे में टमाटर क्यों डाल रही हो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था यार, वो जानबूझ के छेड़ती थी हमें लगता है। मतलब उन्हें कुछ तो था, मुझसे तो कुछ खास ही प्रॉब्लम थी। मेरे रूम में एक पोस्टर लगा हुआ था आनंद मूवी का, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। सोते हुए उठाया उन्होंने मुझे, कह रही बेटा जैसी तुम्हारी हरकत है ना बड़ी होगी ना लंबी। मैंने कहा बात तो ठीक है पर कोहनी मार दूंगा कमर में। किसी को उठा के बोलते हैं ऐसी बात। यार मैं एक दिन नीचे गद्दा लगा के सो रहा था, उस औरत ने मेरे मुंह पे पोछा मार दिया यार। मैं एक सैलाब से उठा, वो मेरी दाढ़ी में इलझता हुआ चला गया। और मुझे रिएक्ट ही करना नहीं आता इस बात पे, मैं बस ऐसे पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मुझे लगा अब सॉरी बोलेंगी, अब सॉरी बोलेंगी। जैसी मेरी तरफ देखा कह रही उधर मुंह कर लो। बहुत दिमाग खराब करती थी। हाँ, इस चक्कर में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। आंटी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी हमें, तो हम कोचिंग नहीं जा पाते थे। हम कोचिंग नहीं गए, हमें ये नहीं पता एग्जाम में पूछेंगे क्या। मैं APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम याद कर रहा था। मेरा टफ लग रहा, पूछ सकते हैं। पूछा ही नहीं। UPSC वाले कुछ भी पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है 5-6 लोग पेपर ये सोच के बना रहे हैं कि कमजोर दिल वालों को मार दो सबको। ऐसा एकदम से बच्चा क्वेश्चन पढ़े और धक से वहीं मर जाए कि क्या पढ़ लिया। भाई मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट देने गया हूँ बिल्कुल सोबर, दही में भी नमक मिलाया मैंने। मैंने कहा आज कोई रिएक्शन नहीं चाहिए कैसा भी। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा, मेरी वहाँ पहुंचते ही फट गई, बच्चे वहाँ ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए हुए। मैंने कहा ये अब तक चल रहा है। मैंने कहा पर चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या। तो मैं कही तो लूजर था ना, मेरा तो इंटरव्यू निकला हुआ है। भाई मैं एग्जाम देने बैठ गया तो पहले 3 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए, वो बड़े बड़े थे। मैं कही ये मेरा टाइम वेस्ट कर देंगे, स्ट्रैटेजी होती है पेपर में। हंस रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, और मुझे ये सब पता है। बाकी बच्चे कर रहे थे, मैं कहा ब्लडी सबऑर्डिनेट्स। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा था, मैं कहा इसको करते हैं। मैं वो क्वेश्चन पढ़ा, वो पढ़ते ही मुझे रियलाइज हुआ कि ज्योमेट्री बॉक्स तो चाहिए। हाँ, मैं कहा मेरा बहुत मन था कि मेरे हाथ में कंपास हो, मैं ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ूं, फिर अपने मम्मी पापा को याद करके इसे अपनी गर्दन में घोंप लूं। भाई इतना घटिया सवाल। साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ बनाना ट्री व्हिच इज 11.5 मीटर्स टॉल, वेयर इज द प्लेस।
खत्म। 11.5 मीटर का केले का पेड़ कहाँ मिला है? मैं तो कहता हूँ कहीं मिला हो बहनचोद। मुझसे इस बात का क्या मतलब है? मैंने इन्विजिलेटर बुलाया, मैंने कहा इधर आओ भाई साहब, मैंने कहा ये गलत भर्ती का पेपर आ गया, आपने मुझे गलती से माली वाला दे दिया, मुझे पुलिस वाला बनना है यार, मेरा क्या मतलब केले के पेड़ से? मैं वहां बैठ के केले इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे को पेड़ इतना बड़ा तो केले कितने बड़े होंगे यार। मेरे दिमाग में बकचोदी चल रही कि इतना बड़ा केला बंदर के सामने रख दो, लेके नहीं भाग पाया। फिर मैं सोच रहा हूँ ऐसा तो नहीं इस जगह पे बंदर भी बड़े होते हैं? बड़े बंदर को तो गोरिल्ला कहते हैं। फिर 5 मिनट मैंने ये किया, फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा ओह ये वाला छोड़ना था। हाँ आधा घंटा वेस्ट हो गया। उसका आंसर भी था अंडमान निकोबार आइलैंड, ये तो मैं कभी नहीं मार्क करने वाला था। हाँ साइंटिस्ट बीच पे गए हो, बियर पियो, क्या बकचोदी कर रहे हो? ऊंचा पेड़ दिख गया, छांव में बैठ के पियो, केला तोड़ो चिप्स बनाओ खाओ, बेंचो, क्या बकवास सवाल बनाए पड़े हैं वहां पे। फिर मैं हिंदी की तरफ पढ़ने लगा, मैंने कहा उसमें हिंदी में भी लिखा रहा था, मैं क्या पता इधर आसान लगे। पूरे में पढ़ा मैंने, इक्वली टफ, पूरे में ढूंढा मैंने, कलाम कलाम कलाम। मैं कि जो पढ़ के आए वो तो पूछ नहीं रहे लोग। तो मैं कोई बात, फिर एक और क्वेश्चन आया, बस वो एंड था। वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा और रिजाइन कर दी। मैं कहा यूपीएससी डिजर्व नहीं करता मेरे को। वो क्वेश्चन पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर क्यों होता है। याद है वो 200 वाला प्रकार? स्कूल में किसी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ यूपीएससी के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पिस्टल अलाउड नहीं है। आप उसे लेके जाओगे ना तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, उसे पढ़ते ही आपका हाथ ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाए, उसे निकालो ऐसे बीच से खोलो और पकड़ के बैठ जाओ, और जैसे ही मौका लगे भाग के जाके दोनों इन्विजिलेटर मार दो बैठ। कि सालों तुम इन्विजिलेट क्या कर रहे हो जब किसी को कुछ आता ही नहीं है? तुम बाहर भी चले जाओगे तो हम कर क्या लेंगे? देख तो लेंगे पूछ क्या रहा है, इसका आंसर होता ही नहीं होगा। हाँ भाई वो क्वेश्चन था कौन सी तरह का ऊंट, मैं ही रुक गया। तरह का ऊंट? ऊंट की क्या तरह होती है बे? ऊंचा सा होता है येलो कलर का। कौन सी तरह का ऊंट है जो तैर सकता है? मेरी खोपड़ी फट गई। मैं कहा ऊंट तैर रहा है, कहाँ जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्यों रेगिस्तान का राजा फकिंग स्विमिंग? यार बचपन से ऊंट को पानी ही तो नहीं मिल रहा है। इस प्राणी को भगवान ने अपनी खुद की मिल्टन लगा के भेजा। कि बेटा ये जालिम दुनिया पानी नहीं देगी, अपना घर से भर के चलना, ये हरामखोर तैर रहा है। तैर वह निरा, नया नया पानी देखा, बकचोदी करने गया उसमें। तुम ऊंट को पानी दिखाओगे वो सोचेगा बॉटल अंदर चल के भर लेते हैं। ऐसे गुड़ 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 करेंगे, मजा आया। तो फिर बहुत देर मैंने ये सब सोचा। मेरे लेफ्ट में जो लड़का बैठा था उसका ज्योमेट्री बॉक्स कैमल कंपनी का था। मैंने कहा भाई एक मिनट देना, बात करनी जरा इनसे, तैर रहा है। फिर बस मैंने क्वेश्चन पेपर हटा दिया। हाँ मैं कहा बेकार है, मैं कहा हटा उसको, डायरेक्ट ओएमआर शीट लाओ, डायरेक्ट भर देंगे। मैंने ओएमआर शीट में ना गोले भर भर के ओएमआर डिजाइन बना दिया। गोले भर गए थे ओ एम, एक बार तो मन के ओम पे छोड़ देता हूँ, पास हो जाऊंगा।
मैंने कहा यार टाइम बहुत है, आर भी बना देते क्या हो गया। यार मैंने आधा ही आर बनाया था, मैंने इधर देखा तो एक चूतिया मेरी चीटिंग कर रहा। क्या कर रहे हो ऑफिसर? देख तो लो मैं कर क्या रहा हूँ। 100 सवाल है, मैंने 200 गोले मार दिए। मेरी लड़ाई सीधी कंप्यूटर से चल रही है। मैंने नीचे आके ढूंढा ये लड़का, देखा तू मेरे साथ घर चल, तू तो मुझसे भी खत्म है यार। कह रहा घर पे क्या है, मैंने कहा आज से तेरी रैंक 3। एक सेपरेट जगह ढूंढने में लगा दी उसने अकेले ही, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, और फाइनली उसे एक दोस्त मिलता है जो वो 4 साल रैंक 3 जो वो 4 साल से अटेम्प्ट कर रहा था वो वाला दोस्त। अच्छा रैंक 2 हुआ। हाँ ठीक है, अगले पार्ट में उसके साथ तैयारी कैसे हुई ये हमने देखा, बहुत मजे की तैयारी हुई उसमें, मेट और मोटर वाला वाक्य वो पानी की जो मोटर चला रही थी वो बहुत आ रहा था, और एक बार तो चला के फिर भूल गए, बंद भी करनी होती है, उतने आदर्श भी मिले थे ना, और वो जो एटीट्यूड था ना खुद को ऑफिसर ही वो मान के चल रहे थे तो अच्छा था। लास्ट जो पार्ट है ये एग्जाम का पार्ट है। और जब एग्जाम में क्वेश्चंस देखे तो ये नहीं था कि यार मैं यूपीएससी का एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा, उसने रिजाइन दिया, वो जो इतने साल से ऑफिसर की जॉब कर रहा था बस अब मुझे उससे रिजाइन कर देना चाहिए। कैमरे वाला पार्ट तो बहुत ही मजेदार था। अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत सारे पॉइंट्स थे। अच्छा था, लॉजिक्स तो उसके भी थे यार, और वो अब्दुल कलाम बेचारे को पढ़ के आया था, घूमता रहा कलाम मैं कलाम। ओके इससे पहले कि हमारा कैमरा स्विच ऑफ हो जाए हमें तीसरे पार्ट को एंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच जय कदम, आपका ये सजेशन था। सो इतना बड़ा वीडियो आप भी जानते हैं मैं रिएक्ट नहीं करता, बट कर लिया आपकी खातिर, एंड थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत बोरिंग रूटीन में थोड़ा सा ये लाफ्टर मिल गया हमें भी, तो थेरेपी थी हमारे भी, अच्छा लगा था, सस के बुरा हाल हो गया था हमारा इतना कि अब जबड़े दर्द कर रहे हैं मेरे और ऐसा भी नहीं जाएगा उससे। ओके मिलते हैं नई सजेशन और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए।